सूबे के सरकारी स्कूलों में नर्सरी कक्षाओं के कमरों को नैनीहालों की रुचि का बनाने के लिए सरकार 22.44 करोड़ रुपए खर्च करेगी, पर देश भर के ऐसे 3,740 स्कूलों में 40,000 रुपए कमरा सजाने, 10,000 प्ले मटेरियल और 10,000 रुपए टीचिंग लर्निंग मटेरियल पर खर्च किए जाएंगे, यानी हर स्कूल को सरकार 60,000 रुपए देगी। सूबे के सरकारी स्कूलों में नर्सरी कक्षाओं के कमरों को नैनीहालों की रुचि का बनाने के लिए सरकार 22.44 करोड़ रुपए खर्च करेगी। प्रदेश भर के ऐसे 3,740 स्कूलों में 40,000 रुपए कमरा सजाने, 10,000 प्ले मटेरियल और 10,000 रुपए टीचिंग लर्निंग मटेरियल पर खर्च किए जाएंगे, यानी हर स्कूल को सरकार 60,000 रुपए देगी। इन स्कूलों में बच्चों के आराम करने के लिए मैटर्स, दीवारों पर ज्ञानवर्धक पोस्टर व स्टिकर, कार्टून पेंटिंग, गिनती, हिंदी वर्णमाला व अंग्रेजी के चार्ट और खेलने की सामग्री होगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि छोटे बच्चे खेल खेल व मनोरंजन के माध्यम से ज्ञानवर्धक बातें सीख सकें। हालांकि अभी तक सरकार ने NTT की भर्ती तो नहीं की है, लेकिन स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। नर्सरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए JBT अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया है। नर्सरी कक्षाएं शुरू करने से सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। वर्तमान में जिला हमीरपुर में ही 480 में से 255 प्राइमरी स्कूलों में नर्सरी कक्षाएं चल रही हैं। इनमें 1,722 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक हमीरपुर BK नड्डा ने कहा कि सरकार और विभाग की बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि नर्सरी कक्षाओं के लिए एक अलग कमरा तैयार किया जाएगा। जिला में प्री प्राइमरी क्लासेस जो प्रारंभ की जा रही है 255 स्कूलों में, उसके लिए जो है विभाग की तरफ से 60,000 रुपये जो है कमरा तैयार करने की व्यवस्था की गई है, जिसमें बने हुए कमरे को साफ सुथरा एवं बच्चों के अनुसार जो है बैठने के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए 40,000 रुपये खर्च किया जाएगा, और साथ में बच्चों के खेलने का सामान, उसमें जो है आराम करने के लिए मैट्रेस की व्यवस्था, साथ में टीचिंग लर्निंग मटेरियल पर जो है खर्च किया जाएगा। इसमें से 40,000 कमरे के लिए और 10,000 टीचिंग लर्निंग मटेरियल के लिए, तथा 10,000 रुपये जो है उसमें जो है बच्चों की सुविधाजनक बैठने के लिए, सोने के लिए, अगर कहीं बीच में उनको कोई इस प्रकार के मैट्रेस की व्यवस्था की जाएगी।